वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल क्रंची वाइब्स। आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और सेटअप करने वाले हैं कॉस्मिक बाइट के नए कैलिस्टो वायरलेस गेम पैड का। ये गेम पैड आपके विंडोज़ PC को, लगभग सभी विंडोज़ को और MI TV को भी सपोर्ट करता है। इस गेम पैड के अंदर आपको 380 mAh की लिथियम आयन बैटरी, अप टू 8 मीटर्स वायरलेस रेंज और डुअल वाइब्रेशन मोटर्स भी मिल जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स क्या है। वैसे तो मैंने ये 1400 की प्राइस में ख़रीदा है, बट आप भी 1600 से 1700 में अमेजोन से ख़रीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या है। सबसे पहले तो हमें देखने को मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल और गेम पैड। अभी हम इसे साइड में रखते हैं। फिर एक USB टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल जो कि डिसेंट क्वालिटी की है और एक वायरलेस रिसीवर। तो अब हम इसे PC में सेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने USB रिसीवर को मेरे विंडोज़ 10 PC में लगाकर इसे सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। इसके एनालॉग स्टिक्स बहुत ही रिस्पॉन्सिव हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसके बटन्स भी बहुत क्लिकी हैं और जैसा कि मैंने बताया था, इसमें डुअल वाइब्रेशन मोटर्स हैं, तो मैं उसका एक एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको। तो जैसा कि ये आवाज़ आपने सुनी, ये इसके वाइब्रेशन के मोटर्स हैं जो कि कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं बट कभी इरिटेट कर जाते हैं। तो आप इन्हें सेटिंग्स में जाकर कभी भी बंद कर सकते हैं। और अगर हम इसके बटन लेआउट की बात करें तो यहाँ पर हमें लेफ्ट एनालॉग स्टिक और राइट एनालॉग स्टिक देखने को मिल जाती है। एक बहुत ही क्लिकी डी पैड जो कि अच्छी क्वालिटी का है, बैक बटन, होम बटन और स्टार्ट बटन, और यहाँ पर एक टर्बो बटन भी। इसकी मदद से हम पीछे के मैक्रो बटन्स को PC या एंड्रॉयड TV में प्रोग्राम कर सकते हैं। ऊपर लेफ्ट बटन और लेफ्ट ट्रिगर देखने को मिलता है, राइट बटन और राइट ट्रिगर भी। इसके ट्रिगर काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के हैं बट ठीक ठाक ही है। इसमें बैक लाइट भी देखने को मिलती है जो कि बहुत बैटरी ड्रेनिंग है, तो मैंने अभी वो ऑफ कर दी है। इस गेमपैड के रिसीवर को मेरे TV के पोर्ट पर लगाकर सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। अब मैं एक गेम खेलकर दिखाता हूँ। एंजॉय द गेम प्ले। इसकी एनालॉग स्टिक्स और बटन TV के साथ बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और जैसी परफॉर्मेंस हमें PC में देखने को मिली थी, वैसी ही परफॉर्मेंस हमें TV में भी देखने को मिलती है। यह इसके कंपेटिटर कंपनी रेड गियर से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गेम पैड है और कम प्राइस में भी मिल जाता है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उन्हें लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।